उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मुख्यमंत्री लगातार भू माफियाओं को लेकर शिकंजा कस रहे हैं, लेकिन जनपद रायबरेली में कुछ ऐसे भी भू माफिया हैं जो लगातार जमीन व मकान पर कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे। एक ऐसा ही मामला जनपद रायबरेली के थाना जगतपुर देवदहा नेवड़िया तहसील ऊंचाहार रायबरेली का बताया जा रहा है, जहां कुछ दबंगों ने एक बुजुर्ग पीड़िता की उसके ही चल अचल संपत्ति से उसे धुतकार कर बाहर कर दिया। जहां पीड़ित बुजुर्ग महिला लगभग कई सालों से अपने मकान पर कब्जा के लिए जिला अधिकारी से पुलिस अधीक्षक कार्यालय की चक्कर लगा रही है, लेकिन आज तक उसे न्याय नहीं मिला, केवल निराशा ही मिली। जहां आज पीड़िता ने बताया कि रत्नेश और उमेश सरहंग दबंग किस्म के हैं, जिन्होंने दबंगई दिखाते हुए मुझे मेरी चल अचल संपत्ति से धक्के मारते हुए मकान से बाहर निकाल दिया। आपको बताते चलें कि उस पीड़ित बुजुर्ग ने अपने ही धन से अपने मकान को बनवाया था, जहां दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए पीड़ित बुजुर्ग महिला को उसके मकान से बाहर निकाल कर फेंक दिया, जहां पीड़िता ने जिला अधिकारी से न्याय की फरियाद लगाई है। हमारा नाम श्रीमती है जी। गोमती जी के बारे में क्या जानती हैं? अरे साहब, घर द्वार यहीं के है, है? जी। लड़का बच्चा सब है जी, है? झगड़ा वगैरह मैटर ही पंचे समझे सही है। घर द्वार तो पुरखे प्रधान के रही पहले, बम माता ही दे सके तो ले सके ना, देहात पाले हैं। मामला ये बीच में आ रहा है, गोमती जी के कोई कब्जा कर रहा है मकान? हाँ तो कब्जा भाई करे तो नहीं करे बेटा, तुम्हें तो नहीं कहीं अब घर के आदमी हैं भाई, उनका बता ही कब्जा करे हैं। घर द्वार तो नानी के इतना पता है, इन्हें गोमती जी के नाम से है। गोमती देवी मेरी मम्मी। अच्छा, तो मेरा कहना का मतलब ये है कि इन्होंने दो को जन्म दिया है, जैसे एक की शादी ब्याह कर दिया है, तो हम भी कर दें अपनी पादा छुट्टी। अच्छा, बस कौन कब्जा किया है, क्या नाम है उसका? कब्जा देखो, भाई है, मम्मी है, सभी लोग हैं, पापा हैं। हमारा कहने का मतलब है कि जैसे एक को अधिकार दिया है, हाँ शादी ब्याह कर दिया, तो हमारा भी अधिकार दे दे बस, लड़ाई झगड़ा तो ऐसे चलता ही है। ठीक। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।